जैसे कृष्णा, आज हम हमारी 12 नंबर यूनिट पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर का नेक्स्ट यूनिट्स कवर करेंगे। तो हमारा 12.5 है एम्ब्रियो कल्चर। सो एम्ब्रियो कल्चर इट इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ एन एक्साइज्ड इमेच्योर और मेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम एन ओव्यूल ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। सो बेसिकली एम्ब्रियो कल्चर में हम मेच्योर हो या इमेच्योर एम्ब्रियो का एक्साइज करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, ओव्यूल से, और उसे हम कल्चर करेंगे कहाँ पर, न्यूट्रिएंट मीडियम पर। ओके, सो द प्लांट्स डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो और इनडायरेक्टली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस एंड देन सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स टेक प्लेस। जो प्लांट है वो या तो डायरेक्टली डेवलप करेगा हमारे एम्ब्रियो से या इनडायरेक्टली करेगा। कैसे? पहले कैलस की फॉर्मेशन होगी और फिर हमारा प्लांट डेवलप करेगा रूट एंड शूट में। ये टेक्निक हमारी कहाँ यूज़फुल होती है? जहाँ पे हमें सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना है, सीड्स के वाइटलिटी को टेस्ट करना है, या फिर हमें हैप्लॉइड प्लांट्स को जनरेट करना है, रेयर स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करना है। और वी कैन यूज़ एम्ब्रियो कल्चर इन केस इफ़ यू वॉन्ट शॉर्टनिंग द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ प्लांट। जिनका ब्रीडिंग साइकिल कम है वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रीडिंग साइकिल को शॉर्ट करके। सो एम्ब्रियो कल्चर में आपके पास टू टाइप्स के एम्ब्रियो कल्चर होता है। फर्स्ट आपका होगा मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर एंड इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, या फिर हम इसको बोलेंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू। मेच्योर एम्ब्रियोज में हम क्या करने वाले हैं? मेच्योर एम्ब्रियोज आर आइसोलेटेड फ्रॉम राइप सीड्स एंड कल्चर इन विट्रो व्हेन द एम्ब्रियो रिमेन डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और वी कैन से देयर इज़ अ लो सर्वाइवल्स ऑफ एम्ब्रियो इन विवो। हमने मेच्योर कल्चर करना है, आपका मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करना है या इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करना है, डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर एम्ब्रियो की स्टेज क्या है। तो हम उसको या तो मेच्योर बोलेंगे या इमेच्योर बोलेंगे। जो मेच्योर एम्ब्रियो के केस में हमने राइप सीड से आइसोलेट करना है एम्ब्रियोज़ को। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हम राइप सीड से मेच्योर एम्ब्रियो को आइसोलेट कर रहे हैं? क्योंकि उन एम्ब्रियोज़ की या तो सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है अगर वो इन विवो रहेंगे, फर्स्ट कंडीशन, या तो वो एम्ब्रियो जो है काफ़ी देर तक डोरमेंट स्टेज पे रहेगा। तो ऐसे केस में हमने एम्ब्रियोज़ को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना और फिर इन विट्रो न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको ग्रो करवाना है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब हम मेच्योर एम्ब्रियो कल्चरिंग कर रहे हैं तो हम सीड डोरमेंसी को ओवरकम कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आएगा इमेच्योर। इमेच्योर में हम क्या करते हैं कि हम एम्ब्रियोज़ को रेस्क्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सीड को लेते हैं, सीड को स्प्लिट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू। हमारा 12.5 यूनिट जो है वो इसी के ऊपर डिस्कशन है कि एम्ब्रियो, इमेच्योर एम्ब्रियो को कैसे रेस्क्यू करेंगे। सो ये आपका फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट आप कह सकते हो, जिसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी हुई है कि हम कैसे करने वाले हैं सारा प्रोसेस। तो ये आपका सीड है, सीड को हमने स्प्लिट किया, हमारे पास ये इमेच्योर एम्ब्रियो हो गया, इसको हमने कल्चर मीडिया में पुट किया। ये एग्जांपल दे रखे हैं दो डिफरेंट सीड्स के। सो बेसिकली हमने इमेच्योर एम्ब्रियो को कल्चर में पुट किया, इसके बाद इसकी कैलस फॉर्मेशन हुई, ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, रूट शूट फॉर्मेशन हुआ, प्लांटलेट डेवलप हुआ। दूसरा है ये डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हुआ, राइट? इसकी फिर फर्दर यहाँ पर कल्चरिंग हुई है, फर्दर ये प्रोड्यूस किया इन्होंने एम्ब्रियोड्स वगैरह कैलस के ऊपर, अल्टीमेटली हमारे पास सीडलिंग आ गया है जो कि फिर हमारे पास प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। सो ये आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू है। ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये उन जगह पे इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पर एम्ब्रियो एबोर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एम्ब्रियो ख़त्म हो जाएगा, एंड इट आल्सो यूज़फुल टू प्रोड्यूस अ वाइबल प्लांट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने एम्ब्रियो को रेस्क्यू नहीं किया तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो प्लांट हमें नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हमें एक वाइबल प्लांट मिलने के चांसेस हो जाएंगे अगर हम इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। सो वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सेम जीनस और डिफरेंट जेनरा, ऑफन रिजल्ट्स इन सच टाइप ऑफ फेलियर। तो ऐसा होता क्यों है? ये इस वजह से होता है कि कई बार हम वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं जिसमें हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ लेते हैं, सेम जीनस के हैं या फिर डिफरेंट जीनस के होते हैं, वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एम्ब्रियो होगा, तो जो एम्ब्रियो मिलता है वो एम्ब्रियो वाइबल नहीं होता है।
अगर इन विवो हम कंसीडर करें तो उस केस में जब हमारे पास जो एम्ब्रियो हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन के केस में, तो उन एम्ब्रियो को हम रेस्क्यू कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल एम्ब्रियो कल्चर की, चाहे आप मेच्योर कर रहे हो चाहे आप इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर कर रहे हो, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स इन इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रोजेनिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स लीडिंग टू एम्ब्रियो अबॉर्शन कैन बी सक्सेसफुली ओवरकम बाय एम्ब्रियो रेस्क्यू। अभी हमने इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चरिंग करी, उसको हम एम्ब्रियो रेस्क्यू भी बोलते हैं, तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। मैनी डिस्टिंक्ट हाइब्रिड्स कैन हैव बी ऑब्टेन थ्रू एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक ऑब्वियसली। देन सी डोरमेंसी है, उसको भी ओवरकम करने में हम एम्ब्रियो कल्चर की यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ओवरकम करा सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका ब्रीडिंग साइकिल बहुत बहुत लॉन्ग होता है, राइट, अगर उनका नेचुरल स्टेट पे हुआ तो उस ब्रीडिंग साइकिल को शॉर्ट करने के लिए भी हम एम्ब्रियो कल्चर को यूज़ कर सकते हैं, और हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम एम्ब्रियो कल्चर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो स्टेराइल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो डॉर्मेंट, जो फर्दर जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ऐसे सीड्स हैं जिनकी स्टेरिलिटी का इशू होता है, वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं कल्चर की हेल्प से, एम्ब्रियो कल्चर की हेल्प से। सो एम्ब्रियोज आर आइडियली सूटेड फॉर इन विट्रो क्लोनिंग प्रोपोगेशन सिंस द एम्ब्रियोज आर जुवेनाइल विद हाई रीजनरेटिव पोटेंशियल। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यू। तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू को अदरवाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, इनको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और कमर्शियली इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो द प्रोडक्शन ऑफ सच कंपाउंड्स वेरीज विद द डेवलपमेंटल स्टेज एंड द फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे कंपाउंड्स की प्रोडक्शन कितनी होगी और अमाउंट कितना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली 25% ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के लिए मेन सोर्स होते हैं। इसमें कुछ ड्रग्स होंगे जो कि हम या तो उनके स्टेम से या उनके फ्लावर पार्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए हम प्लांट सेल कल्चर की हेल्प से इन मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, जो प्लांट का मेच्योरिटी टाइम है उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ फाइटोकेमिकल्स मतलब कि जो केमिकल्स प्लांट्स रिलीज करते हैं, फाइटो स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड केमिकल्स यू नो, सो केमिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोकेमिकल्स। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल इज नीडेड टू गेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देन शॉर्ट टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, ट्रू। देन प्रिजर्वेशन है वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके भी हम प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, सस्पेंशन कल्चर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट्स की यील्डिंग हाई कर सके। ओके, सो ये उसके वेरियस एप्लीकेशंस है, वेरियस एडवांटेजेस है अगर हम उसको यूज़ कर सके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कंटेक्स्ट में। कुछ मेटाबोलाइट्स के नेम हैं, कौन से मेटाबोलाइट हमें कौन से प्लांट से मिलता है आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, बट बेसिकली हमें यहाँ पे एडवांटेज कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास अगेन ये लिस्ट दे रखा है कि डिफरेंट प्लांट है और उसके गिवन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। आप ये सेक्शन के क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये लिस्ट के फोर टू फाइव एग्जांपल्स गुड इनफ है। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वेश्चन आता है तो जस्ट एग्जांपल कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्यों करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या होता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली जर्म प्लाज्म ब्रॉडली रेफर टू द हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सो बेसिकली जो जर्म प्लाज्म है वो हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू द ब्रीडर।
सो इसकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उन सब में, क्योंकि ये जो आपका होता है ये एक हेरिडिटी मटेरियल होगा। हेरिडिटी मटेरियल को हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं, जो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब अब हमारे पास उसका हेरिडिटी मटेरियल होगा तो ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ब्रीडिंग के लिए हमारे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसकी कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बॉडीज़ हैं जो कि आपका कंजर्वेशन में रोल प्ले करती है, IBPGR एंड IPGRI, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज IBPGR एंड IPGRI इज़ इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कलेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। हमारे पास दो अप्रोच हम यूजुअली फॉलो करते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, प्रिजर्वेशन करेंगे लैंड प्लांट्स के उनके नेचुरल हैबिटेट में अलॉन्ग विद द वाइल्ड रिलेटिव्स। नेचुरल हैबिटेट में करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेजेस पहले पढ़ लेते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और हम कहाँ करते हैं। बेसिकली इन सीटू मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका नेचुरल हैबिटेट इन्वॉल्व होता है और कंजर्वेशन हम बेसिकली नेशनल पार्क, सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स में करते हैं। एडवांटेज क्यों है, क्योंकि यह परमिट करता है स्पीशीज पैथोजन इंट्रैक्शन और उनकी कोवोल्यूशन, ना डायनामिक कंजर्वेशन होती है, ये कंजर्व करता है हमें लेसर डाइवर्सिटी इन ए सिंगल साइट। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन परमिट करता है प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी रिकैल्सिट्रेंट स्पीशीज। रिकैल्सिट्रेंट स्पीशीज ऐसे सीड्स होते हैं जो कि आपके एक्सट्रीम कंडीशंस को इतना सर्वाइव नहीं करते हैं, राइट। उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल चाहिए होता है जिसके बाद वो सर्वाइव करना उनका मुश्किल होता है। तो हम इनकी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हम उससे ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। हमारे पास है कि जर्म प्लाज्म के लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर कोई एनवायरमेंटल हैजार्डस हो जाए, कोई नेचुरल कैलमिटीज़ हो जाए, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं तो नेचर डिज़ास्टर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर, तो फिर वो लॉस हो सकता है हमारा जर्म प्लाज्म। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड नॉन रेडिली अवेलेबल ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर यूज। नेक्स्ट हमारा है एक्सीटू कंजर्वेशन। ये हमारा प्रिजर्वेशन करते हैं हम, यहाँ पर इन विट्रो कल्चरिंग होती है, इन विट्रो यहाँ पर आपके सेव रहते हैं, कंजर्वेशन होती है। तो यहाँ पर कुछ सीड बैंक्स होंगे, जीन बैंक्स होंगे, जो कि आपके सूटेबल कंडीशन, लैब कंडीशन में हमने इनको स्टोर करना है, इनको कंजर्व करना है। मेथड क्या है आपके पास, या तो आप उसको एज अ सीड बैंक कंजर्व कर सकते हैं, या बोटानिकल गार्डन के अंदर, या एरबोरेटा, या इन विट्रो मेथड, या क्रायो प्रिजर्वेशन। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर मेथड आते हैं। इन सब केस में हमने डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी है कि कौन सा टेक्निक कौन सी जर्म प्लाज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने उसको प्रिजर्व करना है वहाँ पर। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। सीड्स क्यों हमारे लिए कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड दे आर इकोनॉमिकल टू स्टोर। द सीड्स ऑफ प्लांट बिहेव डिफरेंटली व्हेन स्टोर्ड। वो जो सीड्स है वो बिहेव करते हैं डिफरेंटली जब हम उसे स्टोर करते हैं। देयर रिस्पॉन्स टू लो मॉइस्चर टॉलरेंस, डेसिकेशन, लो टेम्परेचर, इनका अलग अलग बिहेवियर होता है। सो उनका स्टोरेज बिहेवियर कैसा है, डिपेंड ऑन दैट सीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्थोडॉक्स, रिकैल्सिट्रेंट और इंटरमीडिएट। कैसा वो स्टोरेज बिहेव करने वाले हैं उसके ऊपर हमने इनको क्लासिफाई करा है। ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो हैं उनका लो मॉइस्चर कंटेंट 20% और लेस देन दैट हो, या फिर उसको हम ड्राई कर सकते हैं 5% और लेस मॉइस्चर कंटेंट विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी। 5% मॉइस्चर कंटेंट, 5% या उससे कम मॉइस्चर कंटेंट होगा तो भी आपका ये सीड सर्वाइव करेगा, तो हम उसे ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ सीड बोलेंगे। इनका डेसिकेशन टॉलरेंट
काफ़ी ज़्यादा होगा और ये वायबल रहते हैं काफ़ी सालों तक। लो टेम्परेचर पे भी हम इन सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। क्राइव प्रिजर्वेशन इन्हांस करता है उनकी वायबिलिटी को। इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कैश्यू हो गया, सिट्रस फैमिली होगी, तो ये ऑर्थोडॉक्स सीड्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रिकैल्सिट्रेंट अनऑर्थोडॉक्स या डेसिकेशन सेंसिटिव। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं आपके डेसिकेशन को लेके। दे कैन नॉट बी ड्राई बिलो अ क्रिटिकल मॉइस्चर लेवल एंड कैन नॉट टॉलरेंट फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर को ये टॉयलेट नहीं कर सकते और उनका एक क्रिटिकल मॉइस्चर लेवल है, उसके नीचे अगर हमने उसको ड्राई किया तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी वायबिलिटी नहीं रहेगी। सिंस दे हैव हाई मॉइस्चर कंटेंट दे एनकरेज माइक्रोबियल ग्रोथ ऑल्सो। क्योंकि अब हमने बोला है कि इसको हम पर्टिकुलर लेवल के नीचे ड्राई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट होगा। अब क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनकरेज करेगा और फिर वो फर्दर डिटेरिएट करेगा उनकी कंडीशन को। सो इसलिए हम बोल सकते हैं इनको काफ़ी देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोडॉक्स सीड्स। एग्जाम्पल एवोकाडो, कोकोनट, जैक फ्रूट, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। ये आपके जो सीड्स होते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन होती है इनके ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट के बीच। दी सीड्स आर टॉलरेंट टू डेसिकेशन बट एट द सेम टाइम दे आर सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। ये डेसिकेशन के लिए मतलब मॉइस्चर के कंटेक्सट में ये टॉलरेट कर सकते हैं बट लो टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसका कॉफ़ी, पपाया, ऑयल पाम कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने यहाँ पे सीड्स के बारे में बात कर ली है, सीड बैंक के बारे में बात कर ली है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हम यहाँ कंसिडर करते हैं क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक इज रिकैल्सिट्रेंट एंड इंटरमीडिएट सीड्स लॉस द वायबिलिटी विद टाइम ऑफकोर्स। देन सीड्स जो है वो ससेप्टिबल होते हैं पैथोजन और इंसेक्ट इन्फेक्शन के लिए। डिस्टिंक्ट क्लोन्स कैन बी मेंटेन्ड एंड सीड कंजर्वेशन इज अप्लाइड ओनली टू दोज प्लांट्स दैट आर प्रोपोगेटेड बाय द सीड्स एंड दोज दैट आर प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली। जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम सिर्फ सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को सीड कंजर्वेशन के अंडर उस मेथड से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। अब कुछ इनके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, राइट। एडवांटेज क्या है आपका, कम स्पेस चाहिए और जर्म प्लाज्म को मेंटेन कर सकते हैं पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट में भी, और कंजर्व मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेचुरल हजार्डस से, है ना, उसके ऊपर कोटिंग होती है एंड प्रोटेक्शन उसका खुद के लेवल का होता है। सो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ जर्म प्लाज्म स्टोर की आपके कुछ बेनिफिट गिवन है कि आप अगर सीड बैंक को यूज़ कर रहे हैं, सीड कंजर्वेशन मेथड को यूज़ करें तो क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है देख लेते हैं, तो ये एक ओवरव्यू जनरल समराइज फॉर्म में दे रखा है तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि क्या गिवन है। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा इसमें हम इन विट्रो कंजर्वेशन कर रहे हैं। हमने अभी यहाँ पर सीड बैंक का कंसिडर किया था, सीड बैंक के बारे में पढ़ा था, उसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज पढ़े थे, हमने टाइप्स ऑफ सीड भी पढ़ लिया। अब हम इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म ऑल ओवर देखेंगे कि क्या अप्रोचेज हम उसमें फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट अप्रोच है कोल्ड स्टोरेज, सेकंड है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन एंड थर्ड होगा आपका स्टोरेज अंडर लो प्रेशर एंड लो कंडीशन, लो ऑक्सीजन कंडीशन, यस। सो हम इन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो इन मेथड्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कौन से इन कोल्ड स्टोरेज करेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे कि स्टोरेज अंडर लो प्रेशर टेम्परेचर लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन करेंगे, ये हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है। सो बेसिकली हमने टू ब्रॉड पैरामीटर्स यूज़ करने वाले हैं कि स्लो ग्रोथ सिस्टम चाहिए हमको कि सिस्टम एट ज़ीरो मेटाबॉलिज्म रेट चाहिए। इन दो अप्रोच को हमने सबसे पहले देखना है, इन दो अप्रोच को कंसीडर करके हमने फर्दर इन थ्री मेथड्स में से एक मेथड यूज़ करना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें कंजर्वेशन के लिए। कोल्ड स्टोरेज में हम बेसिकली इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर हमारा 1 to 9 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसमें जो टेम्परेचर ट्रीटमेंट स्लो डाउन करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इतने लो टेम्परेचर पर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इसमें बेसिकली प्लांट मटेरियल जो है कम्प्लीटली फ्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये क्रायोजेनिक इंजरी नहीं होती है,
और हम प्लांट्स को काफ़ी सालों तक यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में हमने चिल, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, ओके। जो प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर है उनको हमने ज़ीरो मेटाबॉलिज्म या नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे लेकर आना है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की हेल्प से हमने इसका टेम्परेचर ज़ीरो से भी नीचे लेकर आना है, सब ज़ीरो टेम्परेचर में। तो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जिसकी हेल्प से हम सब ज़ीरो टेम्परेचर को अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम -79 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर्स, जहाँ टेम्परेचर आपका -80 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड वन इज़ वेपर फेज नाइट्रोजन, जहाँ आपका -150 डिग्री सेल्सियस, एंड देन लिक्विड नाइट्रोजन, जहाँ हम टेम्परेचर को -196 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं। इन सब में हम जो प्रेफर करते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन है, उसको हम प्रेफर करते हैं। जो क्रायो प्रिजर्वेशन में होने की वाली है, सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे और जेनेटिकली वो स्टेबल रहने वाले हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इनसाइड द सेल शुड बी प्रिवेंटेड एज दे कैन कॉज इंजरी टू द ऑर्गेनेल्स इन द सेल। हम जब इसको क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे तो हम इस बात का टेक केयर करेंगे कि आइस फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वो फिर ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर सकता है, ओके। सो प्रोसेस हमारा क्या होता है अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले हमने मटेरियल को सिलेक्ट करना है, देन हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की हेल्प से उसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे, फिर फ्रीजिंग करेंगे। पहले रैपिड होगा, फिर स्लो होगा, फिर स्टेप वाइज। हमारे पास तीन मेथड होते हैं फ्रीजिंग के लिए। तो अल्टीमेटली हमने इसकी फ्रीजिंग करनी है, फिर स्टोरेज करनी है, और जब हम इसे दोबारा यूज़ करना है तो हम इसे थॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थॉ करके हमने उसको रिकल्चर करना है, उसकी सर्वाइबिलिटी चेक करनी है, और फिर अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो फिर प्लांट को हम रीजेनरेट कर सकते हैं। तो इसके ओवरऑल ये 8 स्टेप्स हैं जहाँ पे आपका क्रायो प्रिजर्वेशन फॉलो करते हैं हम, तो हम उसके 8 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो आपने फ्रीजिंग का ऊपर हमने देखा था, या तो हम फ्रीजिंग करेंगे, स्लो फ्रीजिंग करेंगे, रैपिड फ्रीजिंग करेंगे, स्टेप वाइज फ्रीजिंग करेंगे। जब हम फ्रीजिंग मेथड को यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे 8 स्टेप्स थे क्रायो प्रिजर्वेशंस में, क्रायो प्रिजर्वेशन में जो हमने 8 स्टेप्स फॉलो किए थे, उसमें हमने सिलेक्शन करनी है मटेरियल की, उसको हमने क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करना है, इसके बाद हम फ्रीजिंग करेंगे। तो हम ये वाला टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी फ्रीजिंग रैपिड हो, स्लो हो, स्टेप वाइज हम कैसे करेंगे। इसमें जबकि फर्स्ट टू पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसमें हमने सिलेक्शन करनी है और इसके बाद उसकी फ्रीजिंग करनी है। तो मैंने इन दो टॉपिक्स को स्किप किया है, हम अब डायरेक्टली फ्रीजिंग में आ रहे हैं। तो फ्रीजिंग हमारी या तो स्लो फ्रीजिंग होगी, रैपिड होगी, या स्टेप वाइज होगी। स्लो फ्रीजिंग में हमने क्या करना है, टिश्यू को स्लोली फ्रोज करना स्टार्ट करना है, और कूलिंग रेट हमारी कूलिंग रेट हमारी 0.5 to 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होगा, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे इसको फ्रीज करेंगे। रैपिड फ्रीजिंग में क्या होगा, इसमें जो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो प्रीवियस के कंपैरेटिवली फास्ट होगा, मतलब कि एट द रेट ऑफ -300 डिग्री सेल्सियस टू -1000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट रैपिड फ्रीजिंग में। सो सिंस द फ्रीजिंग इज़ रैपिड, इसका बेनिफिट क्या होता है कि इंट्रासेलुलर जो सेल्स के अंदर है, इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म्ड विद इन द सेल्स। तो इसका ये बेनिफिट है रैपिड फ्रीजिंग से। स्टेप वाइज फ्रीजिंग में हमने क्या यूज़ करना है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है स्लो का भी और रैपिड का भी। पहले उसको हमने कूल करना है एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर एंड मेंटेन देयर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। इसके बाद हमने उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लंग कर देना है फॉर अ रैपिड कूलिंग। तो इंटरमीडिएट है दोनों, आपके स्लो के भी और रैपिड फ्रीजिंग के भी। इसके बाद हमारे पास ड्राई फ्रीजिंग मेथड है, ओके। स्टोरेज करेंगे, फिर हमने स्टोरेज इसको करना है, आपका स्टोरेज है -72 to -196 डिग्री सेल्सियस के बीच का स्टोरेज है। देन थॉ करेंगे, थॉ करने के बाद उसको रिकल्चर, सर्वाइबिलिटी चेक करेंगे, फिर प्लांट को हम रीजनरेट करेंगे, और फिर प्लांट हमारा अल्टीमेटली रीजनरेट होगा। अब क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था, थर्ड मेथड जो है हमारा लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। ये जो टेक्निक है ये अल्टरनेटिव है टू द क्रायो प्रिजर्वेशन एंड द कोल्ड स्टोरेज। फर्स्ट टू हमने कोल्ड स्टोरेज पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन, और थर्ड हमारा है लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हमारा जो प्रेशर होता है गैस का उसको रिड्यूस करेंगे।
द लो प्रेशर स्टोरेज इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ गैसेज इन कॉन्टैक्ट विद द प्लांट मटेरियल बाई रिड्यूसिंग द एटमोसफेयर प्रेशर इट्सेल्फ। और जो आपका लो ऑक्सीजन स्टोरेज है, इसमें हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की रिडक्शन करनी है बाई कंबाइनिंग विद द इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। एंड लो प्रेशर स्टोरेज जो है वो रिड्यूस करेगा एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली वो इनहिबिट करेगा स्पोर जर्मिनेशन को। और ये टेक्निक जो है वो यूज़फुल है इनकी लाइफ सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल सीड जो हमने इनकैप्सुलेशन वाला प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है 12.7.2, इसमें हमें डिस्कस करना है कि जर्म प्लाज्म स्टोरेज की क्या एप्लीकेशन है। स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक आइडियल मेथड है, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए स्टोरेज करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, डिजीज़ फ्री प्लांट्स को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, जो हमारे रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, हमारे पास जो क्लोनल वेरिएशंस हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, जो हमारे पास ऐसे प्लांट स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है उनकी कंजर्वेशन, उनकी लॉन्गेविटी को इनक्रीज करने के लिए कंजर्वेशन के लिए, और रेयर जर्म प्लाज्म जो डेवलप हुए हैं उनको स्टोरेज करने के लिए रिलायबल मेथड है, कोल्ड रेजिस्टेंट म्यूटेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं जर्म प्लाज्म बैंक की, सो दैट हम यूज़ कर सके उसको, इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो हमारे कुछ ये हमारे पास ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। दैट्स इट फॉर यूनिट 12, हमारे यहाँ पे यूनिट फिनिश हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आए हैं सारे यूनिट्स के टॉपिक्स समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।